हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक न्यूज़ की जो कि सीबीएसई की तरफ से हाल ही में आई है। तो बेसिकली जितने भी बच्चे हमारे टर्म वन पेपर देने के बाद में जितने भी हमारे बोर्ड से स्टूडेंट थे उनको ये कन्फ्यूजन था कि हमारे टर्म टू पेपर हैं वो किस वे में होने वाले हैं। तो बेसिकली उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सीबीएसई ने हाल ही में अपने सैम्पल पेपर्स रिलीज किए हैं टर्म टू के, जो कि बेसिकली बताते हैं कि जो टर्म टू के पेपर हैं वो सब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। बेसिकली जो टेंथ क्लास के जो पेपर है टर्म टू का वो हमारा कितना है 40 मार्क्स का होने वाला है। एंड उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा 2 आवर्स। एंड जितने भी हमारे जैसे टेंथ का जो पेपर है उसको हमारे 3 सेक्शन में डिवाइड किया है एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 15 है। सो जो पहले जो सेक्शन है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो सेक्शन ए में हमारे 7 क्वेश्चन हैं जिनका जो मार्क्स है 2 मार्क्स फॉर ईच। एंड सेक्शन बी में हमारे 6 क्वेश्चन हैं जहाँ पे 3 मार्क्स फॉर ईच। एंड उसके बाद जो हमारे सेक्शन सी है उसमें हमारे 2 क्वेश्चन हैं जिनका जो केस बेस्ड क्वेश्चन हैं और उनका जो मार्क्स हैं वो है 4। एंड इसके बाद भी इंटरनल चॉइसेस उन क्वेश्चन में मिलेगी। सो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो 12th बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए तो बायोलॉजी का जो सैम्पल पेपर मैं दिखाऊंगा तो उसमें बेसिकली जो टोटल मार्क्स हैं वो 35 मार्क्स का पेपर है। टाइम ड्यूरेशन सेम है 2 आवर्स का। एंड उसके बाद में जितने भी हमारे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 13। जो सेक्शन ए में हमारे 6 क्वेश्चन हैं जो 2 मार्क्स फॉर ईच, सेक्शन बी में हमारे 6 क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स फॉर ईच। एंड उसके बाद में हमारा केस बेस्ड सेक्शन यानी कि सेक्शन सी है उसमें हमारा 1 क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। एंड इसके बाद इंटरनल चॉइसेस भी हमको मिलेगी क्वेश्चन के बीच में। एंड अगर आपको ये पेपर्स देखने हैं तो मैं इनके लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दूंगा वहाँ से आप जाकर इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फोड़िए, तैयारी कीजिए तरीके से एंड बोर्ड्स में फोड़ दीजिए।